रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। दिस इज़ हमना बिनत शहजाद। आर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे अपनी गौहर इंग्लिश बुक 2 का यूनिट नंबर 6, जो हमारे पास है द टॉर्टाइज एंड द डक्स। इस चैप्टर में हम एक स्टोरी देखेंगे जो कि टॉर्टाइज और डक्स के बारे में होगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपने इस चैप्टर के स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। जी, हमारा पहला लर्निंग आउटकम है रिकग्नाइज दैट एज लेटर ऑफ द वर्ड्स चेंज सो डू द साउंड्स। यानी कि हम इसमें देखेंगे कि जैसे जैसे हमारे पास किसी वर्ड के अंदर लेटर चेंज होते जाते हैं तो उन लेटर्स के साथ साथ उनकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है मैट। अब अगर हम मैट में M को चेंज करते हैं C के साथ तो हम देखेंगे कि उसकी आवाज़ भी चेंज हो जाएगी और जो नया वर्ड बनेगा वो बनेगा कैट। तो मैट, कैट। नेक्स्ट, एक्सप्रेस लिमिटेड नीड्स एंड फीलिंग्स। यानी कि देखेंगे यहाँ पर हम बच्चों को ऑरल कम्युनिकेशन के थ्रू इस काबिल बना सकें कि वो अपनी फीलिंग्स और अपनी ज़रूरियात के बारे में बात कर सकें। रिकग्नाइज एंड प्रैक्टिस दैट वर्ड्स इन अ सेंटेंस ट्राइंग टू मेक सेंस इन रिलेशन टू ईच अदर। हम साथ इसमें देखेंगे कि जब हम बच्चे को सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, जिसको उर्दू में हम जुमला साजी कहते हैं, तो जुमला साजी में बेसिकली हम देखेंगे कि आपके पास जो कि वर्ड्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर और सिक्वेंशियल वे में लगाना ज़रूरी होता है, तभी हमारे पास जो जुमला होता है वो मीनिंगफुल बनता है। यूज़ पिक्चर और रीबस इन टेक्स्ट टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग। यानी कि हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई फिल इन दी ब्लैंक्स हैं तो उस फिल इन दी ब्लैंक्स के अंदर हमारे पास या तो कुछ क्लूज होंगे जिसकी मदद से हम उसको फिल कर सकेंगे, या पिक्चर्स होंगी और वो पिक्चर्स को देखते हुए हम अपने फिल इन दी ब्लैंक्स को फिल करेंगे। आइडेंटिफाई नेम्स इन करेक्टर्स। कहानी में जो हमारे पास किरदार हैं हम किरदारों को पहचान सकें कि कौन कौन से किरदार हैं और उन किरदारों के क्या क्या नाम थे। रिकग्नाइज एंड क्लासीफाई इन टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कलर्स शेप्स मल्टी स्टेप डायरेक्शंस लेफ्ट राइट एंड अप डाउन एंड नंबर्स इन वर्ड्स कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे कि हम बच्चों को डिफरेंट जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनके बारे में आइडेंटिफाई करवा सकें और उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो हम कलर्स के थ्रू करवाएं, हम शेप्स के थ्रू करवाएं, साथ हम बच्चों को मल्टी स्टेप डायरेक्शन भी दें कि आपने ऊपर जाना है, नीचे जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, इस तरह की। और साथ में हम बच्चों को कार्डिनल नंबर्स यानी कि 1 से 10 तक की गिनती और ऑर्डिनल नंबर यानी कि जो कि हमारे पास पोजीशन नंबर्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बारे में भी बता सकें। क्लासिफाई नेमिंग वर्ड्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज सच एज पर्सन पेट एनिमल प्लेस और थिंग। बच्चे नाउंस को सॉर्ट कर सकें कि इनमें से कौन से पेट एनिमल्स के नाम हैं, कौन से आपके इंसानों के नाम हैं, कौन से नाम आपके पास जो हैं वो जगह के हैं और कौन से नाम जो हैं वो आपके पास चीज़ों के हैं। Then illustrate the use of substitution words learnt earlier as a subjective case. बच्चे pronoun के बारे में जान सकें। Identify and recognize that rules for the use of a, an and the. Choose between a or an. बच्चों को हम article के बारे में बता सकें और बच्चों को साथ उनके rules भी बताएं कि a का लगाने के लिए क्या rule है, an के लिए क्या rule है और the के लिए क्या rule है। Fill in the missing information to complete a simple paragraph. अगर आपको कोई paragraph दिया जाता है तो उस paragraph को आपने fill करना है और जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट करनी है। प्लेस रीबस विद अ वर्ड टू कंप्लीट अ गिवन स्टोरी। यानी कि अब आपको जो भी एक पैराग्राफ दिया गया हुआ है और उसमें मिसिंग वर्ड्स हैं तो वो मिसिंग वर्ड्स की जगह आपको पिक्चर लगाई होगी, उस पिक्चर को देखते हुए उस पिक्चर को आपने रिप्लेस कर देना है अल्फाज के साथ यानी वर्ड्स के साथ और उसको आपने फिल करना है। राइट नेम्स ऑफ द एड्रेसी एंड सेंडर। यानी कि अगर कोई खत है या कोई भी कार्ड है तो उसमें भेजने वाले के नाम को और मौसूल करने वाले नाम को यानी कि एड्रेसी एंड सेंडर। सेंडर होता है आपका भेजने वाला और एड्रेसी वो होता है जिसको बेसिकली मुखातिब किया जाता है, तो उसके नाम को आइडेंटिफाई कर सकें और वहाँ पे लिख सकें। जी डियर टीचर्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। इस वीडियो लेसन में हमने देखा कि हमारे वो कौन से चेक पॉइंट्स हैं जिनको पढ़ाने से पहले हमने ज़हन में रखना है और हमने इंश्योर करना है कि हमारे बच्चे वो लाजमी सीख कर जाएं। इसके लिए आपको फ्लैश कार्ड्स की ज़रूरत होगी। फ्लैश कार्ड्स का सेट अपने पास रखिएगा। जो स्टोरी के अंदर सीक्वेंसिंग कार्ड आप बना सकती हैं वो ज़रूर बनाइएगा। और इसके अलावा इससे रिलेटेड आपको कोई भी अगर हेल्प चाहिए होगी तो गौहर पब्लिशर की वेबसाइट पर जाकर आप हमारी स्कीम ऑफ स्टडीज़, हमारे लेसन प्लान्स, हमारी की बुक्स और हमारे मॉडल पेपर्स को डाउनलोड कर सकती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।